नहीं, उसे कल वाली खा रहा था। आपके जाने पे रोता है, हमारे जाने पे नहीं रोता है इतना। और डिजाइनिंग हमने करी, ऑर्डर हमने करी, लगाई हमने। अब वो कह रहा कहाँ जाए, बाहें तो इधर अंदर हो रही है। कानून जैसी लंबी जीव यहाँ तक पहुँचा दे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। भाई बहुत भयंकर ठंड हो रही है। लेट मी शो यू, बहुत अच्छी खासी धुंध है। पीछे से आपको दिखाई दे रही होगी धुंध, अच्छी खासी धुंध हो रही है। मैं आई हूँ लड्डू के साथ, लड्डू को पोती कराने। सुबह के 7:30 बज रहे हैं आई थिंक। दौड़ा दौड़ा के लेके आता है ये टावर से बाहर तक, मेरी सांस फूल जाती है। और अभी हम लोग जा रहे हैं इसके दोस्त के पास। ये पूरे रास्ते सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को खोजता है। इसका एक दोस्त है बीगल, सिम्बा नाम है उसका। भाई बहुत खेलता है, बहुत खेलता है। मैं आज देखती हूँ, वो आज मिलेगा ना तो मैं पक्का दिखाऊंगी आप लोग को। वो बहुत ज्यादा ही खेलता है उसके साथ। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग डेली व्लॉगिंग करें, फिर से वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं। सो यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ व्लॉग ऑन माई व्लॉग चैनल। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज, आज लड्डू को लड्डू का कोई भी दोस्त नहीं मिला है, और लड्डू ऐसे ही बिना मतलब खेले वेले जा रहा है। ये रहा लड्डू। लड्डू, लड्डू गुड बॉय। लड्डू सिट, गुड बॉय, गुड बॉय। चले लड्डू, चले घर, चलो आप आ जा। लड्डू आ गए हैं अपनी मॉर्निंग वॉक से। अब लड्डू की करी जाएगी क्लीनिंग, लड्डू को धोबी पछाड़ मारा जाएगा। प्यार से सफाई करवाता है, कैसी बातें कर रहे हैं। देखो इतना प्यार से बैठ गया है। वॉशिंग मशीन में डाल दो। लोगों की एक मशीन आनी चाहिए थी, जैसे ऐसे डालो और इन्हें निकाल लो बाहर। इतने प्यार से आपने कभी किसी डॉग को क्लीनिंग कराते देखा है? आपकी आंखों से एकदम आंसू टपकाएंगे, हम बता रहे हैं। देखिए, देखो देखो मैडम, ये हैंड, मैडम थोड़ा हाथ में, ये कहता होगा मैडम थोड़ा हाथ में मेरे ये दर्द हो रहा है, जरा अच्छे से मसाज कर दीजिए। मस्त करवाता है इस समय। देखो ऐसे लेटा हुआ है बड़े आराम से, देखो कितना मजे से। बात बताते हो, नीचे ना वो जर्मन से भरे ना भूजो, वो मिला था आते भागते भागते पॉटी फेरी, बात कर रहा था इससे। पोटी उसको खानी ही थी तो निकाली क्यों उसने? नहीं, उसे कल वाली खा रहा था। कल यार शाम को जो करी थी, पुरानी वाली। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लड्डू नहीं खाता भाई ये सब, लड्डू ये सब काम नहीं करता। इनका कुछ रहता है कि जब ये ऐसा खाने वाने लगते हैं ना, इनके पेट में कुछ दिक्कत वगैरह होती है, वैसा कुछ हिसाब है। नहीं, गोबर का तो समझ में आता है, तो चलो वो समझ में आता नहीं। गोबर तो खा लेते हैं, जब पेट में दिक्कत इनको होती है ना तो गोबर खा लेते। भाई इतनी ठंड में सबसे ज्यादा मजे हैं लड्डू के, एकदम एंजॉय कर रहा है अपना। ठंड मौसम देखो, एकदम कटीला हो रखा है, एकदम कटीला मौसम। जीरो विजिबिलिटी, जीरो तो नहीं है, थोड़ी सी तो है, आज थोड़ा सा कम है, पिछले दो दिन से था एकदम जीरो विजिबिलिटी वाला। खैर यहाँ इस यहाँ पे देखो, पूरा सामने खुला मैदान है, रोड है, कुछ नहीं दिख रहा। सो गाइस, नाश्ते में बन रही हैं पूड़ियाँ, बेदमी पूड़ी। और पूड़ी बना रही है कौन? मंचली पूनम। इनका यूट्यूब चैनल है, जाके विजिट करो, सब्सक्राइब करो। हम भी तो बोल दो अपना सब्सक्राइब करने के लिए। शर्मा क्यों रही हो? यूट्यूब चैनल चला रही हो तो शर्मा क्यों रही हो? तो बेदमी पूड़ी खाई जाएंगे भाई नाश्ते में। लड्डू बैठ गए कि भाई हमें भी खाना। तो लड्डू का मैंने ये गर्म पानी में डाल दिया है। हैं? लड्डू बैठा है खाने के लिए। देखना, हम कुछ बोलेंगे नहीं, अपने आप डाउन हो जाएगा ये। आई विल नॉट टेक एनी, जैसा बैठेगा फिर डाउन हो जाएगा। डाउन बैठ गया, देखा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद डाउन हो जाता है। उसे पता है कि चाहे हाथ में टॉय हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे खाने की कोई चीज, मैं डाउन होऊंगा तो मुझे मिलेगा, वो अपने आप हो जाता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आ गया भाई? ये वही है जो हम डेली चलाया करते हैं। मेरा दिल, यस, कैंडल लाइट, कैंडल, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अरे तुम्हारे खाने का नहीं है भाई, है वो कैंडल। काश मैं ब्लॉग के थ्रू आपको सुगंध इसकी भेज सकती तो आपको पता चलता कि कितनी सुगंधित है। देखो भाई कौन आया। सो गाइस, गर्मा गर्म पूड़ियाँ आ गई हैं तैयार, ऑलरेडी खा चुके हैं, खैर अभी और खाएंगे। क्या हो गया भाई तुम्हारा? यार देखो यहाँ पे मतलब मैंने तीन ऑर्डर करी थी, यहाँ पे भी स्लिप में भी तीन लिखी हुई है कि तीन है, अंदर एक। मीशो से मंगाया ना तुमने? मीशो यार ये फ्रॉड करता रहता है यार, गुस्सा
गुस्सा आ रही है यार मुझे, मतलब तीन का तो ये सेलर कर रहा है भाई, कोई और नहीं कर रहा है ये। हाँ वही मीशो के सेलर, तो वो एक काम किया करो ना, अनबॉक्सिंग का ना वीडियो बनाया करो। अरे मैं तो आपको दिखा दूंगी भैया, यही बॉक्स आया, स्लिप है देखो इसमें, तीन यहाँ रख दो यहाँ। कंप्लेन से वो कुछ करते हैं? यहाँ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ लड्डू का खाना, तो इसमें डॉग फूड है, डॉग फूड है, इसमें थोड़ी सी बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं, और टेस्ट के लिए मैंने जो पेडिग्री वाली चिकन ग्रेवी आती है ना वो थोड़ा सा मिला दिया है, नहीं तो ये क्या कर रहा था ना, बिल्कुल भी खा ही नहीं रहा था डॉग फूड को। इसको मिक्स करके देता हूँ, इसमें इसके मल्टी विटामिन डाल दिए हैं, इससे क्या होगा ये खा लेगा फटाफट। लड्डू ईट, तो वही लड्डू चले अपना खाना खाने, खा लो कोई दिक्कत नहीं है। उसको थोड़ा सा खिलाया तो ऐसे लगा डिस्टर्ब कर रहे हैं। खा लो क्या है, कुत्ता हो गया ये, बजनी कुत्ता भाई, इसका 16 किलो वेट हो गया। 16 किलो की बोरी उठा रहे हैं हम, वो तो अभी डॉग फूड इसने खाना बंद कर दिया है, नहीं तो हम तो 25 किलो कर देते इसका वेट, इसको खिला के मुट्टा कर देते, मुट्टा गद्दू। कल पता है सो गया था मेरे ऐसे गोदी में बैठे बैठे ना, लिटरली आंखें इसकी बंद हो गई थी, सो गया था, आप आते नहीं तो ये सोता रहता। खाना खा लिया बस, अब सोने का टाइम है। पूड़ी की महक मिल रही है, इन्हें पूड़ी खानी है, देखो पूड़ी खाओगे लड्डू, पूड़ी इज नॉट फॉर यू, तुम्हें भी दिया ना खाना। अपना खाना खा लिया? खा लिया। अपना खाया कि नहीं? ए भाई साहब, दयाराम भाई साहब दयाराम। गाइस मैं आपको एक नजारा दिखाती हूँ, ये है हमारे बेटे के पापा, और इनका बेटा दिखाती हूँ मैं, रुके। बेटू जी देखिए कैसे सो रहे हैं, बीच रास्ता है ये रास्ता है, और ये यहाँ पे ऐसे सो रहा है, ये क्या पोजीशन है सोने की लड्डू, ये क्या पोजीशन है सोने की, एकदम बेतहाशा सो रहा है, जैसे नहीं पता नहीं कितना काम करके आया हो, देख रहे हो इसको, देख रहे हो, नहीं जाने कितना सारा काम किया, पूरे घर के बिल्स यही पे कर रहा है, ऐसा बेतहाशा सो रहा है, वो भी बीच रास्ते में सो रहा है, ये नहीं कि अपनी मैट वगैरह पे लेटे, किनारे बेड पे लेटे, नहीं बीच रास्ते में, और इतनी तेज में बोल रही हूँ, आवाजें कर रही हूँ, जरा सा उसे हिल नहीं रहा है बिल्कुल। सुबह 2 बज गया है और नाश्ता इतना ज्यादा कर लिया था कि लंच भी नहीं हुआ है, खाना भी नहीं खाना है, और ठंड, तबीयत अलग खराब हो रखी है, और मैं मीशो से बात करने में लगी हुई हूँ कि मेरी 2 कैंडल लाके दो, नहीं दे रहा क्या वो? अरे मेरे को उसका नंबर मिला है सेलर का, अभी डायरेक्ट सेलर से बात कर रही हूँ, उसको डिटेल्स भेजी है मैंने, अभी उसे फटकार लगाऊंगी तुम ऐसा वैसा क्यों कर रहे हो भाई, पैकेट में 3 भेजना था तो 3 भेजना था ना, सर्दियों में यार थोड़ा सा बॉडी, ठंड में ना काम धीमा हो जाता है, नहीं बहुत ज्यादा धीमा, थोड़ा नहीं, काम रुक सा जाता है, थम सा जाता है, दुनिया स्लो हो जाती है, मेरा तो पूरा ये पसलियां दर्द हो रही हैं आज। तो आपको याद नहीं है सुबह पूनम क्या कह रही थी, ठंडी ठंडी के लिए हम छुट्टी ले लेते हैं, गर्मी में वापस आके ज्वाइन कर लेंगे, वाला हाथ दे, ये कोई बात है? सो गाइस यहाँ पे गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, और जो पाइपलाइन होती है गैस की वो बिछाई जा रही है, और ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा इतना लंबा पाइप ऊपर तक जा रहा है, और नीचे से भाई लाया जा रहा है, खतरनाक है भाई ये काम। तो एक अच्छी चीज रहेगी कि आगे से हमें सिलेंडर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा काम इसी से हो जाएगा। अब देखते हैं कितने दिन में ये चालू होगी, अभी तो 1 महीना तो अराउंड इसमें लग जाएगा, कोई पाइप डलेगा फिर कनेक्शन वगैरह लगेगा, बट एक अच्छी चीज़ है यार ये, सिलेंडर की झंझट खत्म हो जाएगी, बट इससे एक इशू भी होने वाला है सोसाइटी में, जो ऑलरेडी किसी एक टावर में हो चुका है कि बंदर इससे चढ़ के आने लगे हैं, तो बंदरों के लिए एक आसान तरीका हो जाएगा ऊपर चढ़ने का, पाइप से चढ़ो सीधा ऊपर पहुंचो, तो वो एक प्रॉब्लम है, वो देखना पड़ेगा कैसे टैकल करते हैं लोग। और गाइस बहुत ही भयंकर ठंड पड़ रही है, सामने गार्ड्स बेचारे उनको दिन में बिना आग जला के बैठना पड़ रहा है यार, मैनेजमेंट से यहाँ डिमांड करी है लोगों ने, इवन मैंने भी, कि यार इन लोगों को ना हीटर वगैरह प्रोवाइड किया जाए, ताकि इनको इस तरह से आग जला के ना बैठना पड़े 24 घंटे, क्योंकि उससे भी धुआं तो निकलता ही है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो इनको करेगा ही। यहाँ पे मानसी कर रही हैं कुछ डिजाइनिंग, क्या डिजाइन किया है? अपना स्टूडियो डिजाइन कर रही हूं। भाई स्टूडियो डिजाइन का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, किसी को कराना है तो करा लेना। यार गंदा लग रहा है ये, तो मजा नहीं आ रहा है इसमें, किसी में मजा नहीं आ रहा, मजा सिर्फ इसमें आ रहा है, सिर्फ ये अच्छा लग रहा है। ये तो तुम कह रही है अवेलेबल ही नहीं है, ये अवेलेबल ही नहीं है, अब ये डिजाइन मैंने इतना ऑनलाइन खोज लिया, ये वॉलपेपर मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, अब ये जो मुझे लगवाना है
ऐसा पीवीसी में मिल रहा है और यदि ऐसा लगवाया मैंने तो 17,000 की वॉल पड़ेगी मेरी। इतना पैसा मैं नहीं डाल सकती एक वॉल में, बहुत महंगा पड़ जाएगा। एटलीस्ट 5,000 रुपए डाल सकती हूँ, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं डाल सकती मैं एक वॉल पे। मैं जा रहा हूँ अभी नीचे, हम लोगों ने देसी खांड मंगाई थी, 10 पैकेट मैंने मंगाए, तो शक्कर की जगह ना देसी खांड हम लोग यूज करते हैं। तो अंकल जी आ गए नीचे देने, फटाफट लेके आते हैं। तो गाइस अपनी देसी खांड आ गई है, अब फटाफट इनको रखते हैं और अंकल जी को ये थैले भी रिटर्न करना है यार। थैले लेके ही आ जाते, मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। कि चल रही है क्या कह रही थी तुम अभी? क्या मेहमानी दे रहा है? मेहमानी दे रहा है, सारी सेवा हमसे करवाता है, दो बार घुमाने हम ले जाते हैं, सफाई हम करते हैं, मालिश हमसे करवाता है और आपके जाने पे रोता है, हमारे जाने पे नहीं रोता है इतना। तो तुम्हें जलन हो रही है? जलन हो रही है, बट लड्डू हमसे मेवा देता है आपको। लड्डू इनके जाने पे भी यार रो दिया करो यार, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता भी ऐसा, ऐसा अच्छा नहीं लगता। लड्डू ऐसा अच्छा नहीं लगता यार, चीज एकदम राप्चिक है। क्या? चीज एकदम राप्चिक है, राप्चिक हो? पूछ खूब मोटी हो गई है। ये देखो गाइस इसने क्या किया है, पूरी रुई उसकी बाहर निकाल दी और उसी में बैठा हुआ है। मैंने बस इसको ये बोल दिया कि क्या कर रहे हो, तो चुपचाप बैठ गया। लड्डू गलत बात है यार, तुमने तो उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। लोग कह रहे हैं एनिमल देखने जाओ, ये घर का एनिमल ही। हे भगवान, लड्डू नहीं। सो गाइस शाम का बच्चों का है 4:30 और मुझे थोड़ा सा भूख लगाई थी, तो मुझे याद आया कि फ्रूट्स भी कटे हुए रखे हैं तो खा लेता हूँ, क्योंकि लंच किया नहीं, नाश्ता हैवी कर लिया था, तो आज लंच हम लोगों ने स्किप कर दिया था। और ठंड इतनी है तो भाई ये अपना हीटर चल रहा है और यहाँ चल रही है एडिटिंग अपनी मेरे टैग चैनल पर। फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। तो भाई लड्डू का टाइम हो गया घूमने जाने का। बदतमीज लौंडे। नौटंकी कर रहा है आज ये ज़्यादा। पिटाई खाना है तुम्हें, पिटाई खाना है, पिटाई खाना है, पिटाई खाना है, चल रहा है। ये घूम के आएगा फिर इसको दिया जाएगा खाना। लड्डू लग रही है बच्चे, ओए शैतान, मुंह खोल के हाथ पकड़ लेता है सीधा। इसकी आज सामने थोड़ा तारीफ कर दी ना हम लोगों ने इसकी। हाँ, तो आज पूरा टेडी बियर खा गया, देख के आओ मैंने सारा टेडी बियर ऊपर रख दिया इसका। और पता है 3 बार जाके वहाँ पे बैठ के आऊ कर रहा है कि हमें दे दो। हमने कहा तुम बैठे रहो, आज तुम्हें कोई टॉय नहीं मिलने वाला, इतने सारे टॉय गायब कर दिए मैंने आज। जितने इसकी तारीफ कर दो ना कि भाई ये तो बड़ा अच्छे से बिहेव कर रहा है और बड़ा, उसी दिन ये भंड मारता है। जिस दिन तारीफ उसी दिन लो भाई, हम हमारी तारीफ, ये कहता भाई हमारी तारीफ वारीफ ना करो, हम तो ऐसी भंड मारेंगे, भंडवाज है ये, भंडवाज। चलो जाओ जल्दी इसको घुमा लाओ, फिर इसको आके खाना देता हूँ। लड्डू बाय। अब वो कह रहा है कहाँ जाए, बाहर तो इधर अंदर हो रही है। चलो आगे भाई, अब जाके हम लोग लंच कर रहे हैं। लंच क्या, अब सीधा डिनर ही हो रहा है। तो कम डिनर, कम लंच, कम डिनर, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 बज गया है और ये भाई साहब भी तुरंत आके बैठ जाते हैं यहीं पे, अपना खाना पीना सब घटक लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मानसी को और कोई काम तो है नहीं, बस सबसे पहले आके ये मोमबत्ती जला देती है। मतलब नाश्ता भी हम कैंडल लाइट, डिनर भी कैंडल लाइट, लंच भी कैंडल लाइट, कैंडल हो गई हमारी जिंदगी। अच्छा नहीं लगता है? नहीं अच्छा लगता है, ये तो इससे क्या होता है ना, इस बढ़िया सी खुशबू आती है और एक अच्छा फील आता है। So इतनी अच्छी अच्छी चीजें मैं रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ, यू शुड कॉम्प्लीमेंट। तो कर ही रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, हम 24 घंटे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कितना सुंदर कर दिया है आपका घर मैंने। मेरा भी योगदान है उसमें थोड़ा बहुत। इत्तुजो का डिजाइनिंग में हमने, और डिजाइनिंग हमने करी, ऑर्डर हमने करी, लगाई हमने, यू वॉज जस्ट अ हेल्पर, हेल्पर ओनली। तभी तो बोला थोड़ा बहुत। हाँ हद है, मतलब थाली में से नहीं खाना है। अटू शेट बैठ जाओ, गुड बॉय। अपनी कानून जैसी लंबी जीव यहाँ तक पहुँचा देगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं, जीव लंबी होती है। डाउन लड्डू डाउन। तो भाई रात का बज रहा है 10 और लड्डू को मैं खाना देने वाला हूँ, लड्डू की लास्ट मील ऑफ द डे। और लड्डू को मिलने वाला है पनीर। लड्डू आर यू रेडी? पनीर एंड एग्स। तो लड्डू के जो एग्स हैं वो मैंने बॉयल कर लिए हैं, इनको फटाफट छीलते हैं और जो येलो पार्ट है वो हम अलग कर देंगे और वाइट पार्ट
प्लस 100 ग्राम ऑफ पनीर। लड्डू को बस थोड़ी देर में यहीं आके बैठ जाएगा। तो गाइस लड्डू ने खाना खा लिया है, अब लड्डू को मैं लेके जाऊंगा नीचे घुमाने, उसके बाद आके सो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुका है, वापस आते आते 10:30-11 बज जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द डे, ब्लॉग कहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, संपा खैर, गुड नाइट, जय श्री राम।